उत्तराखंड के हरिद्वार लक्सर क्षेत्र के महतोड़ी टांडा गांव में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर आज स्थानीय लोगों के साथ श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन में हवन यज्ञ का आयोजन कर मंगल कामना की है, जिसमें विश्व कल्याण हवन यज्ञ कराकर विश्व के कल्याण की कामना करते हुए महंत कोठारी प्रेमदास जी महाराज ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र को सभी के लिए अनुकरणीय बताया। वहीं महतोली गाँव के ग्राम प्रधान युवराज ने श्री राम के जीवन चरित्र की जानकारी देते हुए कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में भी आदर्श पुरुष के रूप में परिभाषित किया जाता है। आयोजन के दौरान श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन महतौली टांडा में महंत कोठारी प्रेमदास के नेतृत्व में सर्व समाज ने मिलकर भंडारे का आयोजन भी किया, जिसमे महंत कोठारी प्रेमदास जी महाराज ने कहा कि 22 जनवरी का दिन बड़े ही सौभाग्य से मिला है और आज के इस दिन को हम सभी दीपावली के रूप में मनाएं, ताकि महतोली टाणा गांव में रहकर भी अयोध्या जैसा आभास हो। आज हर्षोल्लास का माहौल है, क्योंकि सदियों के बाद ये अवसर हिंदू समाज को मिला है और ये हर्षोल्लास के माहौल में आप जहां देखिए, जिस गांव में देखिए, जिस गली में देखिए, जिस मोहल्ले में देखिए, चाहे हिंदू का एक घर हो, वहाँ भी ये हर्षोल्लास का माहौल है। और इस खुशी में ये निर्विघ्नता पूर्ण रामलला की प्रतिष्ठा हो, रामलला अपने स्थान पर विराजे, इसलिए निर्विघ्नता पूर्ण स्थापित होने के उद्देश्य से संपूर्ण देश में जहाँ जहाँ हिंदू हैं, संपूर्ण देश में तो क्या, मैं मीडिया पर देखता हूँ कि पूरे विश्व में जहाँ जहाँ हिंदू हैं, ये आज माहौल है। हिंदू ही नहीं, यहाँ तक कि मुस्लिम समाज भी पैदल चलते हुए श्री राम का नारा लगाते हुए अयोध्या पहुँच रहे हैं, भगवान श्री राम के गुणगान करते हुए उनकी वाणी नहीं थक रही है। इससे पता चलता है कि आज देश में हिंदू जागृत हो गए हैं और सबको ये आनंद है कि आज रामलला वर्षों के बाद अपने भवन में पधार रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है हम लोगों के लिए भी, और आज तो हम लोग रोम रोम से हर्षित हो रहे हैं। इतना ही मेरा कहना है कि ये माहौल बना रहे। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।